हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी हो रहा है अर्ली मॉर्निंग और आज है वीकेंड, तो यहाँ पे मैं झटपट कुछ नाश्ता बना रही हूँ। कुछ अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे घर में और हम लोग जा रहे हैं वन डे ट्रिप के लिए। कुछ रास्ता में खाने के लिए बना रही हूँ और ये है कुछ स्नैक्स, क्योंकि ड्राइव करते करते काफ़ी नींद आने लगता है तो ये सब स्नैक्स चाहिए होता है जिससे कि नींद टूट सके। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स, चिप्स एंड कोकोनट एंड ओट्स कुकीज़, और यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स भी लिया है बनाना एंड ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट को मैं कट करके रख लूँगी अभी। और मैंने और भी वीडियो में अपने शेयर किया है कि मास्क सैनिटाइज़र वगैरह तो कंपल्सरी है। गुड मॉर्निंग गाइस, कितना प्यारा सनराइज़ हुआ है यहाँ पर। और फट इतनी सुबह सुबह मैं जग चुकी हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वन नाइट ट्रिप के लिए। और ये थी हमिंग बर्ड, फट जाती है, फट से चली जाती है। अभी हमिंग बर्ड का सीज़न है, बहुत सारी हमिंग बर्ड आ रही। तो ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ एवोकाडो सैंडविच, और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक दैट। यहाँ पे मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये खाने में काफ़ी इजी होता है और झटपट बन जाता है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है आज सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप लोग को अर्ली मॉर्निंग कहीं निकलना होता है किसी वन डे ट्रिप या फिर ऐसे भी बाहर निकलना होता है तो आप लोग क्या खाकर जाना पसंद करते हैं। एंड आई एम श्योर कि सबके पास अपनी अपनी इजी रेसिपी होगी मॉर्निंग टाइम के लिए, और अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे शेयर कीजिएगा ज़रूर, वो सबके लिए और मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बस मैं जल्दी जल्दी सैंडविच को बना करके और अच्छे से इसे पैक कर लूँगी, या फिर अगर टाइम बचेगा तो यहाँ पर ही हम लोग घर पे ही ब्रेकफास्ट करके निकल लेंगे, और अगर टाइम नहीं बचा तो ऑब्वियसली इसे गाड़ी में खाएंगे। इसे पैक कर लूँगी। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था तो हम लोग घर पे ही खा लेंगे, और इसे मैं केचप के साथ खा रही हूँ। और इस लंच बॉक्स में मैंने रख लिया है ड्रैगन फ्रूट, अच्छे से मैंने पील कर लिया है, कट कर लिया है पीसेज में, और इसे रख लिया है सो दैट कि हमें गाड़ी में खाने में ईजी हो। सब कुछ रेडी करके सामान यहाँ निकाल कर, कोई कार की ही छोड़ दिया था घर में। आवर वन डे ट्रिप बिगिंस। ये रहा रास्ते में हमें मिल गया एप्पल फार्म, और हमने एप्पल तो काफ़ी पहले भी बहुत सारा तोड़ा है खुद से पेड़ से, और पेड़ से तोड़कर एप्पल खाना या फिर कोई और सा भी फ्रूट खाना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर कि बचपन में आप सब ने कभी ना कभी ये काम किया ही होगा। ये रास्ते में हम लोग को मिला एप्पल फार्म, और इसमें बहुत सारे एप्पल हुई है। इसमें एक बार हम लोग और भी आए थे लेने के लिए, और इसमें काफ़ी छोटा छोटा एप्पल होता है लेकिन काफ़ी मीठा रहता है, बहुत छोटा छोटा है। देखने से लगेगा कि नहीं इसमें स्वीटनेस बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन बहुत यम्मी है ये एप्पल। ये बस रोड के साइड में ही है, सब पेड़ में लगा हुआ है, और यहाँ देख नीचे भी कितना सारा गिरा हुआ है, और बहुत दूर तक ये फार्म है उस साइड भी है। और हम लोग यहाँ पे लेकर के यहाँ पे एक पैकेट में $5 यहाँ रख देना होता है। वो किसका था? तो हाँ
और आई गेस कि ये सब लॉग ये लोग विंटर्स में सेल करते होंगे। पीछे भी है, पीछे भी इतना सारा सब एप्पल है, सब एप्पल है। आई गेस सब यहाँ पे सेम वेराइटी के एप्पल है, बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत स्वीट। उई दो हम मेरे हाथ में, दो तुम दूसरा ले लो, ऐसे सब गिर जाएगा। तो खराब है तू। यहाँ भी तो है, इस पेड़ में देखो कितना अच्छा तो है, रेड रेड। ये पकड़ो, हम पिक करते हैं ये लो। छोटे छोटे एप्पल लेने के बाद हम लोग निकल गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि हम लोग आर्ट म्यूज़ियम जा रहे थे, तो हम लोग आर्ट म्यूज़ियम की तरह निकल गए। और आर्ट म्यूज़ियम जो है वो मिलवॉकी में है, विस्कॉन्सिन में। और यहाँ पे हमने लिया है ब्रेक, सो ब्रेक में हो रही है गाड़ी की धुलाई। और रास्ता जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और सीनिक था, चारों तरफ ग्रीनरी थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। और ये देखिए, आपने नोटिस किया कि नहीं, ये तीनों कार जो अभी गई वो तीनों सेम ही कार है, बस कलर डिफरेंट है। तो एक साथ तीनों जा रही थी तो अच्छा लग रहा था देखने में। और कहीं जाते रहते हैं हम लोग, रोड ट्रिप पे रहते हैं, और बीच में अगर छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स आते हैं तो उस टाउन में वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। और छोटे छोटे गिफ्ट शॉप ले रहते हैं, कुछ ले चाहे नहीं ले, बट गिफ्ट शॉप विज़िट करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग में से कौन ऐसा करते हैं जो अगर रोड ट्रिप पर गए हैं, बीच में कोई न्यू सिटी आ गई, न्यू टाउन आ गई, तो उसे भी घूम लेते हैं। हम लोग अक्सर ही ऐसा करते हैं, हाँ, बट अगर हमारे पास टाइम रहा तो। और ये फाइनली हम पहुंच गए मिलवॉकी, ये है वहाँ का डाउनटाउन, और डाउनटाउन हम लोग घूमेंगे बाद में। फ़िलहाल हम लोग आर्ट म्यूज़ियम पहुंच रहे हैं, तो बाहर का लुक आज हम लोग आपको दिखा देते हैं। बाहर से भी वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसका जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है। सो या हियर यू गो। मिलवॉकी जो कि विस्कॉन्सिन में है। तो बस हम लोग अपना डेस्टिनेशन पहुंच चुके थे, और यहाँ पर एक पार्किंग थी सामने में, वहाँ पर हम लोग गाड़ी रख दिए थे। और उसके बाद हम लोग वॉक करके, थोड़ा ही डिस्टेंस पे था, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं, थोड़ा ही डिस्टेंस पे था, तो हम लोग वॉक करके वहाँ पर जा रहे थे। वहाँ पर और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो रहे थे अगल बगल में, इसलिए बहुत सारा जो रास्ता है वो ब्लॉक था। और वहाँ पे लाइक बाइक रेस, बाइक मीन्स साइकिल, साइकिल रेस एंड डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज़ हो रहे थे। और इन एक्टिविटीज़ के कारण जो है हम लोग का वॉक जो है वो थोड़ा बहुत लंबा हो गया था, बट इट वाज गुड बिकॉज हम लोग जो अगल बगल एक्टिविटीज़ हो रहे थे उन सबको इन्जॉय करते हुए जा रहे थे। और वहाँ पे क्राउड जो है वो सब पुलिस काफ़ी अच्छे से मेंटेन हुई थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए आर्ट म्यूज़ियम, और यहाँ पे उस टाइम पे बिना मास्क का एंट्री नहीं था, मास्क रिक्वायर्ड था, दैट इज़ वेरी गुड। एंड फाइनली हम लोग म्यूज़ियम के अंदर एंटर कर गए, एंड लुक एट द म्यूज़ियम्स, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल एंड नीट एंड क्लीन ऑब्वियसली। सो आज के लिए ब्लॉग में यहाँ तक ही, नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग आर्ट म्यूज़ियम को अच्छे से देखेंगे। सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।